इंडियन एयरफोर्स की तरफ से न्यू एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आपको सैलरी ज्वाइनिंग के बाद कितनी पेमेंट की जाएगी, फुल डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन दिया जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल सा स्किप मत करिएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जुलाई 2024 के लिए वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया गया है। इसके साथ ही इसमें जो पोस्ट हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो डाटा दिया गया है फ्लाइंग ऑफिसर की है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। इसके एज लिमिट को लेकर यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2024 की डेट से ये एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस डेट में आपकी एज 20 ईयर्स की होनी चाहिए और इसके साथ 24 ईयर क्रॉस ना हो, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि 2 जुलाई 2000 to 1 जुलाई 2004 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 20 to 26 ईयर्स होनी चाहिए। कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिल करेंगे तो इस वेबसाइट करियर इंडिया airforce.cdac.in या फिर आप afcat.cdac.in की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहां से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिल कर पाएंगे। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी पेमेंट की जाएगी। फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी जो है 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये आपको दिया जाएगा, जो लेवल 10 की वैकेंसी के लिए आपको ये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके, अगर आप अनमैरिड हैं इस फॉर्म को अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है, मस्ट कर दिया गया है इस वैकेंसी के लिए। आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप अनमैरिड हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिल करेंगे तो नॉन रिफंडेबल जो फीस है 25,225 है। यहाँ पर आपको बताया गया है नॉन रिफंडेबल फ़ीस के लिए कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर के लिए जो फीस है कितना होगा, तो यहाँ पर बताया गया है 250 रुपये होगा। लेकिन जिन लोगों ने एनसीसी किया हुआ है उन सभी को फ़ीस पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्लास 10th और 12th होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से ही, और बीए बीटेक का कोर्स आपने कर रखा हो, बीए या बीटेक का कोई भी कोर्स कर रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर 10+2 होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। मिनिमम 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। तो ये तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जब आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा। ग्रांड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क के साथ होना चाहिए। इसमें अगर आपकी हाइट, अगर आप मेल हैं तो 157.5 cm होनी चाहिए और अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो हाइट है वो 152 cm होना चाहिए। अकाउंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री इन एनी कॉमर्स बीकॉम विथ लीस्ट मिनिमम 16 मार्क्स होना चाहिए। हाइट की बात करें तो 157.5 cm फीमेल की, 152.5 cm
और फ्लाइंग ऑफिसर के लिए एनसीसी के लिए सीनियर डिवीज़न के लिए आपको सी लेवल की सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर मेट्रोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिजिबिलिटी रीड नोटिफिकेशन तो 30/6/2023 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और है कि एनसीसी के जो स्पेशल और मेट्रोलॉजी की एंट्री है कैंडिडेट के लिए रहेगी वो बिल्कुल एप्लीकेशन फ़ीस ₹0 रहेगी। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।